हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज साइंस के दूसरे सेट को लेकर उपस्थित हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट, बर्तनों तथा कपड़े पर बादामी डब्बे पानी में की अत्यधिक मात्रा के संकेतक हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीज या क्रोमियम। इसमें आंसर है मैग्नीज। जिस पानी में मैग्नीज की मात्रा रहता है तो वो बर्तनों और कपड़ों पे बादामी रंग के धब्बे उसके कारण आ जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। सीमेंट की रासायनिक संरचना है चूना पत्थर और मिट्टी, चूना पत्थर, मिट्टी और जिप्सम, चूना पत्थर और जिप्सम, और चौथा है मिट्टी और जिप्सम। तो ये सीमेंट की रासायनिक संरचना जो होता है उसमें चूना पत्थर, मिट्टी और जिप्सम होते हैं। ऑप्शन बी नंबर। और सभी में कितने मेटोलाइड हैं? तो सबसे पहले जानिए मेटोलाइड होता क्या है। ये धातु और उपधातु के बीच वाले धातु और अधातु के बीच वाले होते हैं, यानी उपधातु कहलाते हैं। इनकी संख्या 8, 6, 9 या 5 क्या होता है? तो ये 8 होते हैं। और 8 इधर देखिए, बोरोन है, सिल्कन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेल्यूरियम है, पोलोनियम है और एस्टाटाइन है। ठीक है, अब क्वेश्चन 4 देखते हैं। निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा अवसाद या चिंता को नियंत्रित कर सकता है? ठीक है, माइंड से जुड़े अवसाद, डिप्रेशन, टेंशन आदि को नियंत्रित करता है। तो यह है थायराइड। थायराइड आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, जीवाणु एस्चेरिचिया कोलाई मुख्यतः किसमें पाया जाता है? मानवात में, टेरिडोफाइट में, फलीदार पौधों की जड़ ग्रंथियों में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए धान के खेतों में। तो ये पाया जाता है मानव आत में। ठीक है, मानव इंटेस्टाइन में पाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, मानव शरीर में रक्त की मात्रा क्या है? मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के वजन का 7%, शरीर के वजन का 10%, कुल वजन का 18%, कुल वजन का 14%। ये होता है शरीर के वजन का 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से रक्त वाहिकाओं फेफड़ों से दिल में शुद्ध रक्त लाते हैं? कार्डिक धमनी, दूसरा कार्डियक नस, पल्मोनरी धमनिया, पल्मोनरी नसे। तो ये आंसर होगा पल्मोनरी नसे है जो फेफड़ों से दिल में शुद्ध रक्त को लाते हैं, और ये बायां साइड में लाते हैं जहां से पूरे शरीर में खून फिर पंप किया जाता है। जब लेंस को उच्च अपवर्तनांक के तरल में गिरा दिया जाता है तो इसकी फोकल दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पे होता है, यह घटती है या बढ़ जाती है या समान ही रहती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये बढ़ जाती है। और होता ये है कि जब हम उत्तल लेंस को उच्च अपवर्तनांक वाले तरल में गिरा देते हैं तो यहाँ पे फोकल दूरी बढ़ जाता है और वो अवतल लेंस के जैसा काम करना शुरू कर देता है। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ गर्म कर होने पर उदरपातन से गुजरते हैं? तो उदरपातन मतलब होता है जो ठोस से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता हो, गैस में चेंज हो जाता हो। तो ऑप्शन देखिए, आयोडीन, नेप्थलीन, कैम्फर। तो ये तीनों जो है सब्लिमेशन, तीनों का सब्लिमेशन होता है, इसलिए आंसर उपरोक्त में से सभी होगा। इनमें से कौन सी हवा से उत्पन्न बीमारी है? खसरा, टाइफाइड, गुलाबी आंख, HIV/AIDS। तो ये खसरा जो है हवा से उत्पन्न बीमारी है, ऑप्शन ए।